मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे नीमच और नीमच शहर विकास की श्रृंखला में 12.5 करोड़ के विकास कार्य का किया भूमि पूजन। देखिए AA एडवेंचर्स की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हुआ भव्य स्वागत। मेसी फर्गसन चौराहे पर भव्य आतिशबाजी के साथ इस स्वागत में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, रोशन वर्मा, पार्षद जीनू मेहता, जीतू तलरेजा, गजेंद्र चावला, संजय गोहर, ओम प्रकाश सचदेवा, अंकाई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके पश्चात श्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे टाउन हॉल, जहां उनका भव्य आतिशबाजी एवं ढोल धमाकों के साथ स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू जागरू अध्यक्ष माननीय पवन पाटीदार जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। 100 बेड के अस्पताल एवं ऑडिटोरियम का हुआ लोकार्पण। 12.5 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत काफी सारी महिलाएं यहां सिलाई मशीन का फॉर्म भरने के लिए आई हुई हैं टाउन हॉल में। जयकारा लगाएंगे हम दोनों हाथ ऊपर करके दिल से मन से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सभी का कर्तव्य ध्वनि से हम साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
हमारे बीच पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानीय सेवा निधायक चौथी बार के अजय योद्धा सम्मानीय श्री दिलसिंह जी परिहार तालियां देना बजती रहे। युवा पाटीदार के जिला अध्यक्ष जी, हमारे सबको हटाने वाले मंडल के अध्यक्ष योगेश जी, मोहन जी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित मंच पे विराजित जन, हमारे सभी गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन, 13,90,00,000 के सभी क्षेत्रवासियों को, नीमच वासियों को बधाई देती हूँ। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सब इतनी बोलना चाहूँगी, एक भी वही, हजार भी वही, हमारे लिए तो बेशुमार भी वही। सबको रखते हैं जो दिल में, अपने जहन में, उदार भी वही, दिलदार भी वही। सभी जुड़े हैं चुनौतियों को स्वीकार करने वाले धर्म के ध्वजा रोहक। राम राम तो कह लोगे पर राम का दुख भी सहना होगा। सबसे पहली शर्त ये होगी, मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब, मर्यादा में रहना मतलब त्याग को गले लगाना होगा। मर्यादा में रहना मतलब अहंकार को मिटाना होगा। अपने रामलला के लिए इतना ना कर पाओगे, शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। तो आज हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने हमको परिवार माना, पूरे देश को परिवार माना, और वो इसी सोचे आगे बढ़ रहे हैं, इसी भावना पर आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे देश का अच्छा, बहुत अच्छा विकास हो। नीमच को भी जो प्रगति मिली है, जो इतने सारी योजनाएं हैं, मैं बताना चाहूंगी आप सबको कि वो केंद्र की योजना है, जो अमृत योजना है, वैसे ही हमारे राज्य शासन की योजना है, जो मुख्यमंत्री अर्थव्यवस्था योजना है। इन योजनाओं में करोड़ों रुपए क्षेत्र को दिए जा रहे हैं विकास के लिए। सारे वार्डों में विकास होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं। और जी को भी आदर पुष्प माला स्वागत करते। अब जो भी शेष रह गए हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से, क्लब से जो भी आ शशि जी कल्याणी, योगेश्वर कल्याण में लगाते रहो, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक। हाथ है वो दोनों हाथ उठा ले और माता की, देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया। मध्य प्रदेश सरकार के गादियाना मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, और जो हमें विधानसभा में बोलने का मौका देते हैं, ऐसे संसदीय मंत्री, केंद्रीय नेता सम्मानित कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जावरा मंसूर और नीमच का प्रतिनिधित्व करने वाले बौद्धिक संपदा के धनी, सभी खड़े होकर बोलिए भारत माता की।